क्वेश्चन आपके पास है, द ऑनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉप चार्जेस हिज कस्टमर 22% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इफ कस्टमर पेड रुपीज 10980 फॉर द डीवीडी प्लेयर देन व्हाट वाज द प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डीवीडी प्लेयर। देखिए इसमें 22% ज़्यादा दे रहा है हमारे पास ऑनर, और इसने कस्टमर ने पे कितने किए हमारे पास 10,980 रुपीज़ पेड किए, मतलब ये उसकी हमारे पास उसने कस्टमर इतना पे किया और उसका ये सेलिंग प्राइस है हमारे पास शॉपकीपर के लिए। तो लेट हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं रुपीज़ एक्स, तो एक्स में कस्टमर ने यहाँ पे 22% ज़्यादा पे किया देन द कॉस्ट प्राइस, तो मतलब इसका मतलब इसने 22% ऑफ एक्स इसने और ज़्यादा पे किए हैं, तब उसकी वो सेलिंग प्राइस यानी 10980 के इक्वल आ गया। सो ये बन जाएगा हमारे पास 122x अपॉन 100 इज इक्वल टू 10980, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 10980 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 122। ओके ये हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद इसके अब कटिंग करने के बाद ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 9000, तो 9000 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा विच इज़ योर ई पार्ट, तो ये इसका आंसर बन जाएगा।